आपकी स्किन भी रफ हो गई है, डल हो गई है, ड्राई हो गई है, स्किन की चमक ही कहीं खो गई है, स्किन में यू नो ग्लो ही नहीं है, सॉफ्टनेस तो आसपास भी नहीं है, बहुत ही अजीब सी बिहेव कर रही है हमारी स्किन। और ये जनरली होता है जब विंटर्स आने लगती है तो ऐसा होता है। और जो लोगों की ड्राई स्किन होती है तो उन लोगों को तो थ्रू आउट द ईयर ही ऐसा होता रहता है। बट अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त इलाज आप सबके लिए। ना ना ना, घबराइए नहीं, पैसे कुछ भी खर्च नहीं करने हैं, बस आपको इतना करना है कि आपको अपनी किचन में जाना है। सो वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ गीता एंड मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक स्किन केयर वीडियो, यही सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए जो मैंने अभी अभी बताई हैं, ड्राई स्किन, डल स्किन, डैमेज स्किन, यू नो। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त फेशियल, 3 स्टेप्स फेशियल, जो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रॉ मिल्क की, यानी कि कच्चा दूध। आज हम यहाँ पे करने वाले हैं फेशियल कच्चे दूध से, जो बहुत ही आसान होने वाला है और बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, और आपको बहुत बनाना भी आसान है और लगाना भी बहुत आसान है। सो कच्चे दूध की अगर बात करें तो गाइस, कच्चा दूध रॉ मिल्क हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हमारी स्किन में ग्लो ऐड करता है कच्चा दूध, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है। इसके अंदर बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को फर्म बनाते हैं। तो चलते हैं इस फेशियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप आता है क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए मैं यहाँ पर ये कच्चा दूध ले रही हूँ और इससे हम अपनी क्लींजिंग करेंगे। आपको ये रॉ मिल्क ले लेना है और एक कॉटन पैड ले लेना है और इससे धीरे धीरे अपने फेस पे अप्लाई करना है। क्या आपको मालूम है कि कच्चा दूध जब हम अपनी स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन की डीपर लेयर्स तक चला जाता है और वहाँ तक अंदर की सेल्स तक को भी मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है, विंटर्स में ड्राई स्किन हो जाती है, अजीब सा बिहेव करती है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल होता है ये। इस तरह से आपको अपने फेस पर लगा लेना है। लगाने के बाद इसको 1 या 2 मिनट तक छोड़ देना है, जब ये थोड़ा थोड़ा ड्राई आउट होने लगे, और फिर इसको अपने फेस पर धीरे धीरे अपने हाथों से बहुत ही जेंटली मसाज करके इसको वॉश ऑफ कर देना है। एंड अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 में। यहाँ पर हम करेंगे अपने फेस स्क्रब। जी हाँ, सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्क्रब रेडी करेंगे अपने लिए। ये यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रही हूँ ये राइस फ्लावर, जी हाँ चावल का आटा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं गाइज, मैं पहले भी आपको अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ। राइस फ्लावर आप रेडीमेड भी ले सकते हैं या फिर घर में भी बना सकते हैं। अब आपको थोड़े से राइस लेने हैं और इनको मिक्सी में अच्छे से पीस लेना है, अच्छे से पीस लेना है जब तक कि एक पाउडर जैसा ना बन जाए। और फिर इसको अगर आप ऐसे हाथ से करके आपको देखना है, अगर आप इसमें थोड़ा दरदरापन लगता है तो आप इसको छलनी से, आटा छानने वाली छलनी जो होती है उससे आप इसको सीव कर सकते हैं, और जिससे ये और ज़्यादा फाइन हो जाएगा। बस मेक श्योर करना है कि आपको जो राइस फ्लावर है इसके जो इसमें दरदरापन नहीं होना चाहिए, इसके दाने ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, वरना आपकी स्किन पर ये हार्श हो जाएंगे। आपको बिल्कुल पाउडर जैसी कंसिस्टेंसी लेनी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा योगर्ट। जी हाँ, कर्ड आप सबके घरों में अवेलेबल होता है। आप इसमें थोड़ा सा, आधा चम्मच के करीब दही ऐड कर लीजिए। तो 1 चम्मच राइस फ्लावर हो गया आपके पास और आधा चम्मच इसमें दही होगी। दही गाइस हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है एंड यू नो हमारी स्किन की क्लीनिंग भी करता है, साथ साथ में स्किन में ग्लो ऐड करता है। साथ ही साथ इसके अंदर जिंक होता है, लैक्टिक एसिड होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो हमारी स्किन को अंदर से क्लीन करते हैं, अंदर से उसको हमारी स्किन में ग्लो ऐड करते हैं, हमारी स्किन को सपल बनाता है, हमारी स्किन को स्मूथ एंड शाइनी बनाता है। साथ ही राइस क्या करता है, राइस हमारी स्किन में अगर किसी भी तरह के एजिंग इफेक्ट्स दिखने लगे हैं, साइंस ऑफ एजिंग होने लगे हैं, जैसे रिंकल्स होना, फाइन लाइन्स होना, उनको कम करता है। राइस फ्लावर में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इलेस्टेज को कम करते हैं, एंड इलेस्टेज वो कंपाउंड है जो हमारी स्किन में एजिंग के साइंस को बढ़ाता है। साथ ही साथ राइस फ्लावर में बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारी स्किन की चमक को वापस लौटाते हैं। हमारी स्किन अगर डल हो गई तो उसको ठीक करते हैं, हमारी स्किन में अगर डार्क स्पॉट्स हैं, किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं उनको क्लीन करते हैं, किसी भी तरह का कालापन है तो उसको भी खत्म करता है। अब हम इसमें तीसरी चीज ऐड करेंगे, कच्चा दूध। जी हाँ, थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब हम इसमें रॉ मिल्क ऐड करेंगे और इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा यहाँ पर स्क्रब बनकर तैयार हो गया है। तो चलते हैं इसको लगाते हैं।
इसको आप अपने फेस पे लगाना है, धीरे धीरे जेंटली लगाना है और दोनों हाथों से धीरे धीरे मसाज करनी है आपको अपने फेस पर। गाइज ये स्क्रब इतना ज़्यादा पावरफुल है, आपकी सारी डेड स्किन को रिमूव कर देता है, आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बनाता है। इसको करने के बाद आप देखिएगा आपको अपनी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फील होगी। ये आपकी स्किन की अंदर तक से सारी इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म कर देता है, सारी डेड सेल्स निकाल देता है, जो भी आपकी स्किन पर एक डेड लेयर बन जाती है ओल्ड सेल्स की, उनको क्लीन आउट कर देता है एंड आपकी स्किन को बिल्कुल फ्रेश बनाता है। इसको मसाज करने के बाद हमें इसको 1 से 2 मिनट तक छोड़ देना है और उसके बाद हमें इसको अपना फेस वॉश कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे एक फेस पैक। और इस फेस पैक को कैसे बनाना है, इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे बेसन। बेसन में गाइस बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बेसन में गाइस बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, बहुत सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे लिनोलिक एसिड, ऑलिक एसिड एंड साथ ही साथ बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं, जैसे राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलेट एंड विटामिन बी बीटा कैरोटीन। साथ ही साथ बेसन के अंदर जिंक होता है, जो हमारे स्किन में किसी भी तरह के ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं, उनसे फाइट करता है, हमारी स्किन के सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल में रखता है। साथ ही साथ अगर आपका आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल लो हो गया है तो बेसन के अंदर इतना सारा फाइबर होता है कि वो उसको भी एलिवेट कर देता है। अब मैं इसमें यहाँ पर ऐड करूँगी हल्दी। जी हाँ, आपको थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी इसमें ऐड करनी है। गाइस टर्मेरिक के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे स्किन के लिए, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी एंटीसेप्टिक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारी स्किन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया उसको ख़त्म करती हैं, हमारी स्किन की टोन को इवन करती हैं, हमारी स्किन को फेयर बनाता है टर्मेरिक। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच के करीब कच्चा दूध, 1 या 2 चम्मच जितना आपको चाहिए, जिससे एक पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी बन जाए। और इन तीनों को मिलाकर हमें एक अच्छा सा पेस्ट जैसा एक फेस पैक तैयार कर लेना है। हल्दी गाइस हमारी स्किन में अगर वुंड फॉर्मेशन हो गया तो उसको हील करती है, हमारी स्किन के टिश्यूज अगर वियर टियर हो गए हैं तो उनको ठीक करती है, साथ ही हमारी स्किन को प्रमोट करती है नए सेल्स को बनने के लिए। आपकी स्किन में किसी भी तरह के एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, उनको ठीक करती है या फिर उनमें जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनको किल करती है। साथ ही एक स्किन ब्राइटनिंग एजेंट की तरह भी काम करता है टर्मेरिक, हमारी स्किन को फेयर बनाता है, हमारी स्किन में अगर किसी भी तरह के डार्क स्पॉट्स हैं, दाग धब्बे हैं, उनको ख़त्म करता है, हमारी अनइवन टोन को इवन बनाता है। इसके अंदर कुरकुमिन होता है, जो हमारी स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे हमारी स्किन में नई नई सेल्स बनती हैं और हमारी स्किन रिजुविनेट होती है, हमारी स्किन फ्रेशर बनती है, ब्राइटर बनती है और यंगर बनती है। तो इस फेस पैक को लगाकर हमें रखना है, इस तरह से लगाना है, साथ ही साथ बहुत अच्छे से हमारी स्किन में टैनिंग को भी रिमूव करता है। क्या आपको पता है कि यूवी रेज जब हमारी स्किन की अंदर लेयर तक चली जाती है, यानी कि एपिडर्मिस तक चली जाती है तो वहां जाकर ये मिलेनोसाइट्स को ट्रिगर करती हैं और मिलेनोसाइट्स मिलेनिन प्रोडक्शन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन टैनिंग हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो ये बेसन आपकी स्किन में टैनिंग को खत्म करता है, आप सन से जो आपकी स्किन ब्लैक हो गई है ना उसको क्लीन करता है। लगाने के बाद हमें इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक के लिए रखना है और उसके बाद आपको अपना फेस वॉश कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फेस वॉश कर लिया है, ये देखिए आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस फील हो रहा है और मुझे तो बहुत ही फ्रेश लग रहा है, ये फेशियल करने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अंदर तक से सारा जो स्किन है वो क्लीन हो गई है अच्छे से। ये रॉ मिल्क फेशियल गाइस बहुत अच्छा है, इसमें आपको कोई पैसे नहीं खर्च करने हैं, घर बैठे बैठे बस आपको 3 सिंपल स्टेप में ये फेशियल कर लेना है और उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं गाइस, बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है अच्छे से, आपकी स्किन में ग्लो ऐड कर देता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको इसको हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर ट्राई करना है। सो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ओके। एंड बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं एंड नए वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बी स्माइल, बिकॉज स्माइल इज़ अ free therapy, okay? And ha, take care of yourself.